और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। पार्टी नेताओं से मीटिंग के बाद अखिलेश यादव का एक और बड़ा फैसला। यूपी चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने से सपा में मंथन का दौर जारी है और करहल से जीत के बाद भी सीट को छोड़ने का अखिलेश यादव ने ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद बने रहेंगे और करहल सीट को अब छोड़ देंगे। विधानसभा के बजाय लोकसभा में भी आवाज बुलंद करते रहेंगे अखिलेश यादव। आजम खान भी रामपुर सदर विधानसभा सीट को छोड़ सकते हैं, अपनी विधायकों को छोड़ सकते हैं और सांसद का पद वो अपने पास रखेंगे। सीट के छोड़ने के बाद करहल और रामपुर में उपचुनाव होगा, ये बात साफ होती दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। पार्टी के नेताओं से बैठक के बाद अखिलेश यादव ने अहम फैसला लेते हुए करहल विधानसभा सीट को छोड़ने का ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आजमगढ़ से सांसद पद अखिलेश यादव अपने पास रखेंगे और विधानसभा के बजाय लोकसभा में आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। इसके अलावा रामपुर से सांसद आजम खान सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे रामपुर में और अब वो अपनी विधायकी को छोड़ सकते हैं, सांसद वो भी बने रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में दो सीटों पर उपचुनाव का संकेत मिल रहा है। करहल और रामपुर में उपचुनाव हो सकता है अगर दोनों ही नेता अपनी विधायकी छोड़ देते हैं। यूपी चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने से सपा में मंथन का दौर जारी है और करहल से जीत के बाद भी सीट को छोड़ने का अखिलेश यादव ने ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद बने रहेंगे और करहल सीट को अब छोड़ देंगे। विधानसभा के बजाय लोकसभा में भी आवाज बुलंद करते रहेंगे अखिलेश यादव। आजम खान भी रामपुर सदर विधानसभा सीट को छोड़ सकते हैं, अपनी विधायकों को छोड़ सकते हैं और सांसद का पद वो अपने पास रखेंगे। सीट के छोड़ने के बाद करहल और रामपुर में उपचुनाव होगा, ये बात साफ होती दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। पार्टी के नेताओं से बैठक के बाद अखिलेश यादव ने अहम फैसला लेते हुए करहल विधानसभा सीट को छोड़ने का ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आजमगढ़ से सांसद पद अखिलेश यादव अपने पास रखेंगे और विधानसभा के बजाय लोकसभा में आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर रामपुर और आजमगढ़ से जुड़ी हुई, करहल से भी जुड़ी हुई कि अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट को छोड़कर विधायकी छोड़ देंगे और आजमगढ़ से सांसद बने रहेंगे। रामपुर से आजम खान भी विधायकी छोड़ेंगे और सांसद बने रहेंगे।